हाय गाइस, आपकी यूट्यूब में आएगी यार, कमाल है। तो गाइस, शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है वैजनाथ का टेम्पल। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से वैजनाथ का टेम्पल। वाह, व्हाट अ क्यू यार, मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू। वाओ, आज तो नंबर नहीं आएगा यार इनका। तो दोस्तों, ये है जो मंदिर का मेन गेट, और यहाँ से सभी एंटर करेंगे अंदर। और आप कतार देख सकते हैं कि कितनी लंबी लगी है यार। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए भोले जी के। और ये मंदिर का साइड व्यू देख सकते हैं आप। देखिए कितना प्यारा जो है वो मंदिर को सजाया गया है, और कितना प्यारा लग रहा है देख रहे हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो आज थोड़ा मौसम है वो भी थोड़ा क्लाउडी है। और शिवरात्रि जब भी होती है थोड़ी बूंदाबांदी ज़रूर होती है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि स्नोफॉल हो रही है पहाड़ों पे, और पहाड़ों के बीच जो शिव टेम्पल है वो बना हुआ है बैजनाथ का। आप ये देखिए व्यू, आउटस्टैंडिंग व्यू यार। तो गाइस, देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं, इतने ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और ये मंदिर के सामने आपको व्यू दिखाया जाएगा। तो ये देखिए टॉप, और कितना प्यारा सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हैं यहाँ पे आज भोले जी के दर्शन करने के लिए। और आज तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लोग भोले जी के दर्शन करने आए हैं। और पहाड़ों के बीच स्थित बैजनाथ नगरी में शिव टेम्पल, माउंटेन भी है यहाँ पे बहुत प्यारे। और ये देखिए पंछी भी, किस्मत वाला है पंछी जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। और श्रद्धालुओं का तो बहुत ज़्यादा काम चला हुआ है। हाय गाइस, आपकी यूट्यूब में आएगी यार, कमाल है। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए आप नज़ारा पहाड़ों का, हरे भरे पेड़, ऊपर बर्फ, और पहाड़ इतने अच्छे, बादल भी हैं इसमें, वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हल्की सी बूंदाबांदी हुई अभी, और बरसात और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे थोड़ी बूंदाबांदी ज़रूर होती है। और ये देखिए हमारे सुरक्षाकर्मी जो अपनी पैनी नज़रें हैं दौड़ाए हुए हैं चारों तरफ, ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो यहाँ पे कोई। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो रश है वो बहुत ज़्यादा है आज, आप ये देख सकते हैं। और मैंने अंदर जाना था, लेकिन मैं थोड़ा रश देख के मैं जा नहीं पाया। और मुझे जो क्राउडी जो ये होते हैं प्लेस, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मुझे थोड़ा खुले में रहना पसंद है। और आप वाह हो यार, ये देखिए आप। और आपको एक वाइट सा मंदिर भी दिखा होगा छोटा सा पहाड़ी पे। और ये देखिए आप क्राउड, पूरे पार्क जो है वो खचा खच भरे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ का जो माहौल अभी, और ये मंदिर की साइड से व्यू। और श्रद्धालु यहाँ तो आज भाई बहुत ज़्यादा आए हुए थे, देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु। और अभी कुछ बंदे जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता उनका नंबर कब आएगा। और ये देखिए लोग सेल्फी लेते हुए यहाँ पे, और ये बैंड बाजे वाले जो कि देवी देवताओं को यहाँ लाया जाता है। तो वाह, इतना प्यारा जो है वो व्यू है आज मंदिर का, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। और ये जो पहाड़ी देवते हैं इनको देव बोला जाता है हमारी भाषा में, पहाड़ी भाषा में। और ये साइड एंगल मंदिर का, और यहाँ आप देख सकते हो जो पीपल के नीचे जो लंगर है वो भी लगा हुआ है। लेकिन पहले आप मंदिर देख लीजिए यार, इतना प्यारा लग रहा है ये। और आप लोगों को भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं जो कि पॉट रखे हुए हैं यहाँ पे, खाना जो बना हुआ है। और जो लोग आए हैं उनको लंगर है वो बांटा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा आगे से बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप जो खीर बनी हुई है, खिचड़ी बनी हुई है, मैंने समोसे भी देखे। खाने को मेरा मन है, लेकिन मुझे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे अगर ये खाना है तो मुझे 2.5 या 3 घंटे तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो ये देखिए क्राउड, आप धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पे। और ये व्यू देखिए आप, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित आज वैजनाथ शिव टेंपल में, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जी मंदिर है जो स्थित है। ये देखिए आप दोस्तों, आज का जो माहौल यहाँ पे मेरी उम्मीद से काफ़ी बेहतर। ये देखिए लोग दर्शन करने के लिए जो है वो क्यू पे खड़े हुए हैं, लाइन पे खड़े हुए हैं, और कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी है आप ये देख सकते हैं। और ये है वैजनाथ टेंपल भोले जी का, लॉर्ड शिवा यहाँ पे जो है वो रहते हैं पहाड़ों के बीच में जो मंदिर स्थित है। और ये धौलाधार रेंज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हैप्पी शिवरात्रि।